तो मैं अभी बस ऐसे ही गाइस एयरपोर्ट के बगल से निकल रहा था और तभी मेरी नजर जाती है ऊपर घूम रहे विंडमिल पर। अब मैं ये सोच रहा हूँ भाई कि एयरपोर्ट के अंदर विंडमिल कहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि लिटरली मैं भाई एयरपोर्ट के अंदर विंडमिल का कोई सेंस बनता नहीं है और बीचों बीच ये स्टार्टिंग लाइन का भी कोई सेंस बनता नहीं है। भाई ये स्टार्टिंग लाइन किसने लगवा दिया, वो भी इतनी खतरनाक कि कोई उसको पार करके जा ही नहीं पा रहा है। ओ तेरी गाड़ियां अटक रही है भाई इस स्टार्टिंग लाइन पे। एक सेकंड, मैं भी नहीं पार कर सकता क्या? ये तो फिलहाल मैं साइड से निकल रहा था। नहीं भाई मैं भी नहीं जा सकता इधर से। तो भाई सही है यार, इधर थोड़ा सा गैप है, साइड से निकल लेते हैं एकदम मजे से। वैसे दूसरी साइड भी गैप है क्या? एक सेकंड रुक जाओ रोल्स रॉयस वाले भाई, रुक जाओ एक सेकंड। ओके इधर भी एक गैप है, लेकिन एक सेकंड इधर की साइड से मैं यहाँ से जा सकता हूँ। अबे यार बाइक वालों के सही फायदे हैं, वो देखो स्टार्टिंग लाइन की वजह से वो गाड़ी वाले आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, बट मेरी बाइक इजीली आ गई साइड से। तो मैं अभी यहाँ से निकल रहा था गाइस और मेरी नजर गई भाई इस वाले विंडमिल पर। देख रहे हो तुम लोग, पूरा प्रॉपर एक रैंप चैलेंज लगा हुआ है और पता नहीं भाई क्या होने वाला है इस रैंप चैलेंज को कम्प्लीट करने के बाद, बट हो ना हो डेफिनेटली कोई ना कोई आजू बाजू सूट जरूर होगा, क्योंकि बिना सूट के ऐसे यहाँ पर रैंप चैलेंज का कोई मतलब बनता तो है नहीं। अब सूट किसका है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। रुक जाओ इसके ऊपर से जंप करते हैं, लेट्स गो। ओके ओ वेट, ऊपर है मैंने रेड हल्का सूट देखा। रुको इस वाली बिल्डिंग पर चलते हैं जल्दी से। हाँ तो मैंने जो सूट देखा था गाइस वो इधर है, वो देखो सामने की तरफ। ओके जल्दी से चलते हैं। हाँ हाँ भाई रेड हल्का ही सूट है, लेट्स गो। लेकिन ये रैम चैलेंज देख के समझ नहीं आ रहा अनलॉक कैसे होगा ये सूट, कोई ना कोई तो तरीका होगा। ओ वेट ये रहा पेपर पड़ा हुआ है, जल्दी से अब इस पेपर को उठाते हैं गाइस और रीड करते हैं, देखते हैं सूट अनलॉक कैसे होगा। ओके गाइस तो पेपर के अंदर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है स्कोर 5 points टू गेट रेड हल्क सूट। तो स्कोर 5 points कैसे होंगे, स्कोर 5 points पता नहीं, और साथ में नीचे लाइक एंड सब्सक्राइब भी लिखा हुआ था, तो अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना गाइस। वैसे एक सेकंड मेरे को जरा चेक करें, तो स्कोर 5 points मतलब वहां से एक रैंप लगा हुआ है, उस रैंप से जंप करके इस विंडमिल के थ्रू आते आते हमें 5 points स्कोर करने हैं। ओ वेट वहां पर शायद 5 points लगे हुए हैं, एक सेकंड ये रेड हल्के सूट के बगल में, यस अरे ये तो रहे भाई 5 points। तो यहाँ पर हम लोगों को जंप लगानी है, आई गॉट इट। तो हमें गाइज यहाँ पर लैंडिंग करनी है, उस विंडमिल से होते हुए यहाँ पर सिंपली लैंडिंग करनी है। थोड़ा मुश्किल तो है ये वाला चैलेंज, लेकिन ये जो सामने वॉल लगी है ना भाई इससे काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अगर जंप करेंगे मान लो इससे टकरा गए तो कम से कम इस जगह पे टिक तो जाएंगे हम लोग। आई गेस मुझे एग्जैक्ट यहीं पर लैंडिंग करनी होगी तभी मुझे 5 points मिलेंगे। चलो समझ गया क्या करना है अभी, तो फिलहाल अभी मुझे बस एक बाइक चाहिए। वैसे मेरी जो बाइक थी वो भी बढ़िया थी, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई यार, मैं तब से ढूंढ रहा हूँ मिली ही नहीं। लिटरली मैं यार अपनी बाइक को इधर ही छोड़ के गया था, और उस वक्त जब मैं वहां पर पहुंचा, वहां पर पहुंचने के बाद मैंने अपनी बाइक ढूंढी तो यहाँ पर थी ही नहीं। पता नहीं इतनी देर में कौन गायब करके ले गया मेरी बढ़िया सी नई नवेली बाइक। काम करते हैं किसी और की बाइक लेकर आते हैं, एक रोल्स रॉयस है सामने, चल वे बाहर निकल, रोल्स रॉयस दे अपनी। तो ये रोल्स रॉयस लेकर चलते हैं गाइस एक बढ़िया सी बाइक का जुगाड़ करने के लिए। हो जाएगा यार बाइक का जुगाड़, यहाँ पर काफी सारी पार्किंग स्लॉट्स हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बाइक होगी ही। जल्दी से चलते हैं नीचे की तरफ, लेट्स गो। अरे नीचे जाने दो भाई, और यहाँ से इधर देखो सबसे पहला पार्किंग स्लॉट यहाँ पर है। यहाँ पर तो कोई बाइक नजर नहीं आ रही है, सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, यहाँ पर भी कोई बाइक नहीं है। इसके अलावा कोई बाइक नहीं है, इधर भी बाइक नहीं है। अरे यार पार्किंग में सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, यहाँ तो क्या ड्रामा है ये, बाइक चलना बंद हो गई क्या लॉस सैंटोस में बिल्कुल। यहाँ पर भी कोई बाइक नहीं है, एक सेकंड मेरे को पता है कहाँ बाइक मिलेगी। रुक जाओ गाइस सामने की तरफ एक और पार्किंग है, उधर चलते हैं जरा। वैसे इतनी गोलियां कहाँ चल रही हैं भाई, पुलिस वाले चोरों के पीछे पड़े हैं क्या पता नहीं, लेकिन जो भी हो अभी फिलहाल मैं भी एक चोरी करने जा रहा हूँ बाइक की। इधर हमेशा मुझे कोई ना कोई बाइक मिल जाती है, और आज अबे यार यहाँ तो आज भी बाइक नहीं मिली कोई। यार मैं बाइक का जुगाड़ कहाँ से करूँ, जल्दी से वापस घूम फिर के एयरपोर्ट ही आ गया मैं तो, मुझे बाइक ही नहीं मिल रही यार आज कहीं भी। ये रही, चलो फाइनली एक बाइक मिली। कैसी है ये, स्टंट लाइक है या फिर नहीं है? स्टंट लाइक है भाई, है बढ़िया लग रही है। ओ तेरी रेड एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया लग रहा है यार, बहुत सही लग रहा है यार रेड एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन लिटरली में, तुम लोग देखो तो सही। ओ भाई साहब इस वाली बाइक से आज मुझे रेड हल्का सूट मिलकर ही रहेगा डेफिनेटली, चलते हैं इसे लेकर, लेट्स गो। टूट जा, ओए टूट जा ओए,
ओए जाली टूट जा भाई। यार यार ये जाली नहीं टूट रही, एक सेकंड उधर से निकलते हैं जरा बाहर, यहाँ से रास्ता है बिल्कुल है। और अभी मेरे को घुमा के यार ऊपर जाना पड़ेगा। अबे यार बाई ढूंढने में इतना ज्यादा टाइम लग गया मेरे को तो, रैम कैसे कंप्लीट होगा जल्दी से जल्दी। रेड हल्का सूट लगता है, आज मेरी किस्मत में नहीं है। ओह नाइस, बूस्ट भी है इसके अंदर। वैसे उस पेपर में स्पेशली लिखा तो नहीं था कि बूस्ट का यूज़ नहीं कर सकते, बट अगर मान लो हम लोग हार रहे होंगे तब बूस्ट का यूज़ कर लेंगे भाई। अभी तो फिलहाल विदाउट बूस्ट ट्राई करने दो मेरे को। इस वाले रास्ते पे टैक्सी कितनी चलती है यार, और एक सेकंड इतने ट्रैफिक के बीच में मैं ये चैलेंज कैसे करूँगा। वो तो सही है भाई, इन लोगों ने ये बैरियर लगा रखे हैं, गाड़ियाँ थोड़ी बहुत अटक रही हैं, पता नहीं ये गाड़ियाँ कैसे आ गई इधर। ओके लेट्स गो, क्या पता फर्स्ट ट्राई में ही 5 पॉइंट्स स्कोर कर जाऊँ मैं, इससे बढ़िया क्या ही बात हो सकती है भाई। यार 5 पॉइंट तो छोड़ो, मेरी तो जंप ही नहीं हो पाई बढ़िया से। और ये फिर इतने अंदर कैसे आ गए भाई, क्या सीन है, तुम लोग इतना अंदर कैसे आ रहे हो भाई। हेलो, अरे यार क्या ड्रामा है ये, बंदे अंदर कैसे आ रहे हैं गाड़ी ले लेके वो भी। ओके कम ऑन कम ऑन। अबे यार ये बाइक लाया कि नहीं है किसी चैलेंज के। थोड़ा 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 अच्छे से, थोड़े अच्छे से जंप करते हैं। ओके अबे यार इस बार साइड से ही चला गया और ऊपर से ही चला गया। शेट यार ये बाइक बेकार है भाई, मेरे को नहीं चाहिए बाइक, दूसरी बाइक लेने जा रहा हूँ मैं। सो हियर इज माय न्यू बाइक जो कि है एक डर्ट बाइक, जिस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि डर्ट बाइक्स जो होती हैं गाइज ऐसी चैलेंजेस के लिए बनी होती है स्पेशली। और ये मैं गलत साइड में चला गया यार, वापस वापस रिट्राई। वैसे तुम लोगों ने गाइज अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि ये चैलेंज हमारा जल्द से जल्द कम्प्लीट हो सके। अबे यार मैं फिर से साइड से कैसे चला गया, रैंप पे जा क्यों नहीं पा रही है मेरी बाइक। कम ऑन, इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच बिल्कुल मिडल में। लेट्स गो। ओके ओके बढ़िया जंप। अब यार कुछ ज़्यादा ही तेज जंप लगा दी, थोड़ी धीरे जंप लगानी थी, ऊपर से आ गया मैं तो 5 पॉइंट्स के। रेडी, इस बार ज़्यादा फास्ट नहीं जाना है, एकदम नॉर्मल मिड रेंज में जाना है, और बढ़िया सी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी जंप लगानी है। ओके जंप तो अच्छी थी बट गलत डायरेक्शन में थी। ओके अगेन अगेन अगेन, इस बार डायरेक्शन बिल्कुल सही सही। विंडमिल से तो कोई ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है, मैं सच बता रहा हूँ, विंडमिल से मैं अभी तक एक भी बार नहीं टकराया यार। ओके कम ऑन, इस बार हो जाना चाहिए भाई, इस बार एकदम डायरेक्शन भी बिल्कुल, ये डायरेक्शन हवा में जाती ख़राब हो जाती है। आई थिंक गाइस अभी टाइम आ चुका है कि मैं बूस्ट का सही यूज़ करूं। लेट्स गो कम ऑन, एक सेकंड। ओके ओके कम ऑन। ओके ओ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट भाई, लास्ट टाइम बूस्ट का मैंने बहुत ही बढ़िया सक्सेसफुली यूज़ किया था। अबे तुम लोग कहाँ से आ रहे हो भाई, इधर जगह कहाँ है, आए जा रहे हैं बेमतलब में। ओके अभी चलते हैं फटाफट से, लेट्स गो कम ऑन मिडल में। अबे यार जंप भी नहीं लग पाई। ओके ओए हट जाओ बे, ओए हट जा, ओए पागल हो गई है। तो अभी हाजिर हूँ मैं एक और नई बाइक के साथ, और इससे थोड़ी सी उम्मीदें ज़्यादा हैं, बट लगता नहीं है ये बाइक भी उम्मीदों पे खरा उतर पाएगी। ओ वेट, ओ लेट्स गो भाई, 5 पॉइंट्स पे लैंड किया है मैंने, ये लैंडिंग काउंट होगी या फिर नहीं होगी। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये लैंडिंग काउंट होगी, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट यहाँ पे गिरता तो शायद काउंट हो भी जाती, लेकिन गिर के फिर इधर आ गया मैं, गड़बड़ हो गई। ओके ओके कम ऑन, बीच में रह नहीं पा रहा मैं, या तो साइड में चला जा रहा हूँ या फिर, ओ वेट ये अभी तक की सबसे बेस्ट लैंडिंग है, लेट्स गो। आई थिंक ये तो डेफिनेटली काउंट होगी भाई, ये तो 5 पेटी का रह गया मैं, ये तो अभी तक की सबसे बेस्ट एंड परफेक्ट वाली लैंडिंग है। लेट्स गो गाइस, जरा चेक करते हैं सूट अनलॉक हुआ है या फिर नहीं। सामने की तरफ है अपने रेड हल्का सूट, और फाइनली ये रेड हल्का सूट मैंने कर लिया है अनलॉक, जल्दी से इसे ट्राई करते हैं और देखते हैं इसमें क्या यूनिक पावर्स हैं। लेट्स गो। ओके रेड हल्की पावर्स एक्टिवेटेड। ओके पटैक, ओरा भाई साहब, वो वाली नॉर्मल जो सारी हल के पास पावर्स होती हैं वो तो डेफिनेटली होने वाली है, एक तो ये मुक्के वाली, एक ये जंप वाली, और एक तो फुल स्पीड में दौड़ने वाली, ये वाली पावर्स तो भाई सबके पास थी। एक पिकअप करने वाली भी पावर होगी बिल्कुल। एक सेकंड ज़रा वापस एयरपोर्ट के अंदर चलते हैं, कोई प्लेन वगैरह पिकअप करते हैं, कोई पैसेंजर प्लेन या फिर प्राइवेट प्लेन। रुक जाओ, सामने की तरफ पैसेंजर प्लेन है तो एक, लेकिन ओ उधर एक येलो कलर का प्लेन है उसे पिक करते हैं। देखते हैं गाइस क्या अपना रेड हल्का सूट इस बड़े से येलो कलर के प्लेन को पिकअप कर पाएगा। लेट्स गो कम ऑन। ओह नाइस यार, बिल्कुल पायलट बैठा हुआ नजर भी आ रहा है मेरे को, वो देखो जरा। अभी इसको फुल स्पीड में हवा में फेंकते हैं उड़ा के, ये ले भाई प्लेन, जा तू मजे से उड़ हवा में। हो प्लेन को देखो भाई क्या मजे से फेंक दिया, और देखते हैं ये लैंड का होता है। इसके लैंड होने से पहले हम लोग क्या उस जगह पर पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते। थोड़ी सी स्पीड को मैं इंक्रीज करता हूं, एक सेकंड रुक जाओ। अभी जो मेरी स्पीड है गाइस डेफिनेटली पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अभी इस प्लेन को फेंकता हूं और देखते हैं क्या इस प्लेन के गिरने से पहले हम लोग वहां पर पहुंच सकते हैं।
या फिर नहीं। ओके ये लेट्स गो। ओके फेंक दिया मैंने प्लेन को। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन इस प्लेन के गिरने से पहले। अबे यार ये प्लेन पहले ही गिर गया। रुक जाओ थोड़ी और स्पीड को फास्ट करता हूँ मैं। ओके इस बार तो इतनी ज्यादा स्पीड हो गई है ना भाई कि फ्लैश को भी मैं पीछे छोड़ सकता हूँ। अभी फेंकते हैं इस प्लेन को हवा में और देखते हैं क्या इस प्लेन के गिरने से पहले ही मैं आगे पहुंच सकता हूँ। बिल्कुल पहुंच सकता हूँ यार, इस बार तो प्लेन बहुत स्लोली गिर रहा है। अरे कहाँ गया प्लेन? अरे प्लेन ही गायब हो गया भाई। वेट व्हाट, लिटरली मैं प्लेन कहाँ गया? अबे प्लेन कहाँ गया यार? अरे प्लेन किधर गया सच में ही? हवा में फेंका मैंने उस प्लेन को और वो पता नहीं कहाँ ही चला गया, सीधे चांद पे पहुंच गया वो प्लेन, पता नहीं। फिलहाल तो गाइस जो भी हो यार, तुम लोग आज की वाली वीडियो बढ़िया लगी हो तो फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके आज से नोटिफिकेशन ऑन कर देना और कमेंट में जरूर बताना गाइस तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय। रुक जाओ इसके गिरने से पहले तो मैं कम से कम पहुंच ही जाऊं। अरे जा भाई कितना स्लो है तू, तेरे से ज्यादा फास्ट तो मैं ही हूं। हेलो प्लेन भाई कितना स्लो है तू? हेलो।